हाय, हाउ आर यू? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। तो मैं आपको फर्स्टली एक ब्रीफ बता देता हूँ छोटा सा, जिससे आपको चीजें समझ में आए। इंस्टीट्यूट ने आपको सिर्फ नेम्स दे रखे हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के आपको नेम्स याद करने हैं, बट मैं आपको चीजें बताना चाहता हूँ कुछ, जिससे हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाते क्यों हैं। दो तरीके के स्टैंडर्ड्स होते हैं, एक तो कॉस्ट के कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आखिर हम कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्या है? सपोज मान लो कोई पर्सन है, ये मिस्टर एक्स है, ये मेरे पास आते हैं, बोलते हैं भैया मेरे पास ये इन्वेंट्री है, रॉ मटेरियल है, इसके आप मेरे को कॉस्ट बता दो। मैंने बोल दिया ठीक है भाई, मैंने कॉस्ट कैलकुलेट किया 20 रुपीज़ है। अब मिस्टर एक्स किसी और के पास जाते हैं रॉ मटेरियल कॉस्ट का, उसने बोल दिया 30 रुपीज़। फिर ये किसी और के पास जाते हैं, उसने बोल दिया 40 रुपीज़। अब ये पर्सन तो कंफ्यूज कर जाएगा कि मैं अपने यहाँ रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी लूँ, 20 लूँ, 30 लूँ, 40 लूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए कंपनी ने, गवर्नमेंट ने यूनिफॉर्मिटी लेकर आया। यूनिफॉर्मिटी से क्या होता है, जब आप स्कूल जाते हो सारे लोगों का एक ड्रेस होता है, तो पता चल जाता है आप एक ही स्कूल जा रहे हो, ठीक है। तो सेम जब सेम इंस्टीट्यूट बन गया था, एंड आफ्टर इट ये रिसेंट अमेंडमेंट्स आया 2010 के बाद कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आने शुरू हुए। तो इसमें क्या किया गया, इसमें स्टैंडर्ड्स को डेवलप किया गया और जितने भी प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं उनके ऊपर कंपलसरी कर दिया गया कि जब भी आप कॉस्ट ऑडिट करो तो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, और जब भी आप कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाओ तो भी आपको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, जिससे क्या होगा कि कॉस्ट एक्यूरेट कैलकुलेट होगा एंड इंडस्ट्री में भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसी वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को डेवलप किया गया, और इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को भी डेवलप किया जाता है, बिकॉज वहाँ पे भी यूनिफॉर्मिटी लाया जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए। तो ये इसके पीछे ऑब्जेक्टिव है, कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर लाने के पीछे, जिससे क्या हो, अब आफ्टर डेट, अब मान लो मेटल कैश सिक्स हमारे मेटल की कॉस्ट है, अब जब आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिक्स, अब कोई भी कॉस्ट कैलकुलेट करेगा तो 20 रुपीज़ ही आएगा, बिकॉज सब ने क्या किया, सेम स्टैंडर्ड को ही फॉलो किया। तो कॉस्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा, इंडस्ट्री को भी दिक्कत नहीं होगा, तो सारी चीज़ें आसानी से हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको सारी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नाम को याद करना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है 4 to 5 मार्क्स का। इन सारे नाम्स को आपको एक दो बार आपको रीड करते रहना है, आपको चीजें बस रूटीन हो जाएगी। जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, 2 कैपेसिटी डिटरमिनेशन, 3 ओवरहेड, 4 कैपिटल कंजप्शन, 5 एवरेज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, 6 मटेरियल कॉस्ट, 7 एम्प्लॉय कॉस्ट, 8 हमारा कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज, 9 पैकिंग मटेरियल। इस तरीके से आप एक दो बार रीड करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें रूटीन हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स था, मेन ऑब्जेक्टिव ये था, ये क्यों आया ये आपको मालूम होना चाहिए था, एंड ये सारी चीज़ें जस्ट आपको एक बार रिटेन करनी है, एक दो बार याद करना है। बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।